ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेष राशि। बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श के उचित नतीजे निकलेंगे। प्रोफेशन स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को सफलता मिलेगी। इस समय अपने करियर और पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना उन्हें सफल बनाएगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कृपया रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। व्यवसाय में कुछ कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत है। कामकाज में विस्तार की योजनाओं में हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने से कर्मियों की मदद से अपने टारगेट को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार तथा कारोबार के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। ज्यादा मेहनत व परिश्रम की वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए आराम भी लेना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है गहरा पीला। भाग्यशाली अंक है 9। आज भाग्य 91% आपके पक्ष में रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। वृष राशि। किसी समारोह अथवा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आप अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित भी करेंगे। इस समय ग्रह स्थिति में कुछ बदलाव आ रहा है। खुले दिल से इस बदलाव को स्वीकार करें, यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, साथ ही दिनचर्या को व्यवस्थित रखना भी आवश्यक है। अभिमान और अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति आपके बनते कार्यों में विघ्न डाल सकती है। सहज और सरल स्वभाव रखें और अपने कार्य में मग्न में रहे। व्यवसाय में मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखें। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों को फिलहाल स्थगित करना उचित है, क्योंकि वर्तमान गतिविधियों में ही अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी उचित रहेगी। वैवाहिक संबंधों में आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। प्रेम संबंध में आपको धोखा मिल सकता है, थोड़ा सचेत रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अत्यधिक थकान और तनाव का प्रभाव आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज। भाग्यशाली अंक हैं 3। आज भाग्य 83% आपके पक्ष में रहेगा। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। मिथुन राशि। कोई नजदीकी अथवा दूरदराज यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, जो कि यादगार रहेगा। आपका हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने कार्यों के प्रति समर्पित भाव आपको सफलता प्रदान करेगा। युवाओं की रुचि सामाजिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी। स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने से करीबी लोग नाराज हो सकते हैं। वसीयत संबंधी मामले उठ सकते हैं। बहुत धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। थोड़ा वक्त आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में बिताएं। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपके व्यवसायिक काम स्वतः ही बनते जाएंगे। सहयोगी तथा कर्मचारियों का भी आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्थानांतरण संबंधी कोई सूचना मिल सकती है, जो कि बेहतर रहेगी। व्यवसायिक तनाव का असर परिवार पर भी पड़ेगा।
जीवन साथी अथवा परिवार जनों का अपनी समस्या निवारण हेतु सहयोग अवश्य लें। थकान की वजह से पैरों में सूजन और दर्द जैसी समस्या रहेगी। समय समय पर आराम लेना भी आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है गहरा पीला, भाग्यशाली अंक है 9। आज भाग्य 81% आपके पक्ष में रहेगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। कर्क राशि। कुछ समय से आपने बहुत ही अनुशासित तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर रखी है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ने लगा है। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात कई उलझे हुए कामों को बनाने में मदद करेगी। कभी कभी आप दूसरों के प्रभाव में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पछतावा भी होता है। इस समय भी भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक एकाग्रता बनाकर रखें। व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियां बन रही है। कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र या नकारात्मक योजनाएं बना सकते हैं। उधार दिए हुए पैसे की वापसी मिलने की भरपूर संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहे। नौकरी में भी ऑफिस के माहौल में कुछ ऐसी ही स्थितियां रहेगी। पति पत्नी अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाकर रखें। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी तनाव और थकान महसूस होगा। प्रकृति के निकट भी कुछ समय व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक हैं 4। आज भाग्य 77% आपके पक्ष में रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं। सिंह राशि। आज आपकी कोई उन्नति का रास्ता खुलने वाला है। सकारात्मक तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी बना रहेगा, जिससे अपनी जीवन शैली को और अधिक बेहतर बना सकेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य की गलत व्यवहार से घर में कलह हो सकती है। बेहतर होगा कि शांति और धैर्य बनाए रखें। आपके अपने ही आपके काम में रुकावट डालेंगे। इस समय भाग्य के भरोसे न बैठे, उचित मेहनत भी करना जरूरी है। व्यापार में कोई बड़ी डील या अनुबंध होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास तथा मनोबल आपको कोई विशेष निर्णय लेने में सहायता करेगा। सरकारी सेवारत लोगों को विशेष अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। व्यवसाय संबंधी किसी यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। घर की उत्तम व्यवस्था रहेगी तथा परिवारजनों के बीच मधुर सामंजस्य रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में निराशा की स्थिति बन सकती है। असंतुलित खानपान की वजह से पेट से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न होंगी। गैस और कब्ज की समस्या से परेशान रहेंगे। भाग्यशाली रंग हैं बादामी, भाग्यशाली अंक हैं 5। आज भाग्य 77% आपके पक्ष में रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। आज किसी खास कार्य के निपटने से तनाव और थकान से राहत मिलेगी। कुछ अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको सकारात्मक अनुभव सीखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उचित समय है। युवाओं को अपने करियर से संबंधित सुखद समाचार मिलेगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं रहेगा। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। अगर रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उसे बहुत ही सावधानी से करें या स्थगित ही रखें।
कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रहेगी। आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली से व्यापार में गति आएगी। कोई ऑफिशियल यात्रा होना आपके लिए लाभदायक साबित होगी। ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएगा। प्रेम प्रसंगों में भी मधुरता बनी रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक है 3। आज भाग्य 82% आपके पक्ष में रहेगा। भगवान विष्णु की आराधना करें, गाय को गुड़ खिलाएं। तुला राशि। कुछ नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात रहेगी तथा लाभदायक वार्तालाप भी होगा और आपसी गिले शिकवे दूर होंगे। घर के नवीनीकरण संबंधी योजना में बन सकती है। अपने किसी खास कार्य के प्रति की गई मेहनत से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। आपसी संबंधों के बीच कोई पुरानी नकारात्मक बात उभरने से रिश्ते में खटास आ सकती है। अधिक सोचने की अपेक्षा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी ध्यान दें। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में विफलता हो सकती है। तनाव ना लेकर पुनः प्रयास करें। आय का कोई बेहतरीन स्रोत बनने वाला है। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित लोग अपने कार्यों में अधिक ध्यान दें। इस समय अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ऑफिस आपका मैनेजमेंट और उचित तालमेल कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर करेगा। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों नजदीकियां लाने के लिए विश्वास कायम रखना जरूरी है। तनाव और थकान जैसी स्थिति से खुद को दूर रखें। मेडिटेशन करें तथा रुचिपूर्ण गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर लगाएं। भाग्यशाली रंग है सफेद, भाग्यशाली अंक है 2। आज भाग्य 89% आपके पक्ष में रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर भेंट करें। वृश्चिक राशि। अपनी खास गतिविधियों को दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। गुप्त रूप से करने पर आशातीत सफलता मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह आप पर बना रहेगा। सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके राजनीतिक रुतबे का नाजायज फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है, जिसकी वजह से आपकी मानहानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही ना करें। दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय में गति आएगी। व्यवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस्पर्धा में जीत आपकी ही है, इसलिए मेहनत से घबराए नहीं। नौकरी में टारगेट हासिल होने से बॉस व उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। मन मुताबिक ट्रांसफर की भी संभावना है। घर का माहौल खुशनुमा और सुकून भरा रहेगा। बच्चे की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है बैंगनी, भाग्यशाली अंक है 8। आज भाग्य 91% आपके पक्ष में रहेगा। गायत्री चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। आज अप्रत्याशित सफलतादायक स्थितियां बन रही हैं। सम्मानित व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा तथा उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उनकी सलाह और मार्गदर्शन को आत्मसात करें। कोई मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है।
ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही की वजह से ही कुछ काम बनते बनते बीच में ही अटक सकते हैं, परंतु इसका कारण आपकी एकाग्रता में कमी होना ही है। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें तथा दूसरों के मामले में ज्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। हालांकि आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में सक्षम भी रहेंगे, आयात निर्यात संबंधी किसी भी कार्य में ज्यादा निवेश ना करें। सरकारी सेवारत लोग कोई भी गैरकानूनी काम में रुचि ना ले। नौकरी में अतिरिक्त कार्य पर बना रहेगा। पति पत्नी आपसे संबंधों में तालमेल बनाकर रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। खानपान हल्का तथा व्यवस्थित दिनचर्या रखें। इस समय पेट संबंधी दिक्कत रह सकती है। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज, भाग्यशाली अंक हैं 3। आज भाग्य 79% आपके पक्ष में रहेगा। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मकर राशि, प्रॉपर्टी अथवा शेयर्स वगैरह में निवेश करने का अनुकूल समय है। आपका विश्वास और दृढ़ निश्चय होना आपको सफलता देगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट आदि में सफलता प्राप्ति के उचित योग बने हुए हैं। कभी कभी अनावश्यक खर्चे सामने आने से परेशानी रहेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, हालांकि आप उनको निभाने में सक्षम भी रहेंगे। बच्चों से संबंधित किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। व्यवसाय संबंधी आगामी कार्यों की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। साहित्य तथा कला से जुड़े व्यवसाय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। मेहनत तथा परिश्रम का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों तथा अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग व मार्गदर्शन अवश्य लें। घर परिवार की जिम्मेदारियों को आप बखूबी निर्वहन करेंगे, परंतु अतिरिक्त वैवाहिक संबंध तनाव का कारण भी बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या परेशान करेगी। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज, भाग्यशाली अंक हैं 5। आज भाग्य 73% आपके पक्ष में रहेगा। आपको आज रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि, किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे आप बहुत अधिक शांति व हल्का महसूस करेंगे। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की भी खरीदारी होगी। आपको घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की तरफ से कीमती उपहार भी मिल सकता है। भाई बहनों से आर्थिक कारणों को लेकर किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें और संबंधों को खराब होने से बचाएं। अनिर्णय की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। आज पर्सनल कार्यों की वजह से आप व्यवसायिक गतिविधियों में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। साथियों और कर्मचारियों के सहयोग से कामों में नुकसान नहीं होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित तथा संयमित बनाकर अवश्य रखें। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी, भाग्यशाली अंक हैं 9। आज भाग्य 64% आपके पक्ष में रहेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें। मीन राशि, सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा।
आज आपका लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का भी दायरा बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न कराने हेतु योजना बन सकती है। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ना आपको खुशी और सुकून देगा। अपने गुस्से व चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखें। कभी कभी इस जैसे स्वभाव की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है। बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपकी समस्या का जड़ यही है। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, हालांकि फोन के जरिए काम होते रहेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में उचित सफलता भी हासिल होगी। जोखिम भरे कामों से दूर रहें। लेनदेन के मामलों में विशेष रूप से सावधानी बरतें। संतान के किसी समस्या को लेकर पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत आ सकती है। इस समय किसी भी कार्य का तनाव ना लें। भाग्यशाली रंग हैं बादामी, भाग्यशाली अंक हैं 4। आज भाग्य 79% आपके पक्ष में रहेगा। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं।